মনোবিজ্ঞান পলিক্লিনিক, চিকিৎসার জগতে এক দশক, এখন এখানে সব বিষয়ে ডাক্তার বাবু একসাথে তলায়। ফোন করুন 7477-99515 এই নম্বরে। কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে আরজিকর এলাকায় চালু করা হলো 144 ধারা। সেই 144 ধারা নিয়ে প্রশ্ন তুলল অধীর চৌধুরী। আপনার আনন্দে আমাদের উদযাপন, বিয়ে হোক বা পার্টি, বহরমপুরে এবার লাক্সারি ব্যাংকোয়েট হল অ্যাট গোল্ডেন রিট্রিট। জেলায় একমাত্র পিলারলেস ব্যাংকোয়েট, আছে স্পা সালন ক্লাব মেম্বারশিপের সুযোগও। বহরমপুর শিল্প তালুকে গোল্ডেন রিট্রিট। এবার কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে আরজিকর হাসপাতাল এলাকায় লাগু করা হলো 144 ধারা। হবে না কোনো রকমের জমায়েত। সেই 144 ধারা নিয়ে রবিবার সরব হলেন অধীর চৌধুরী। এই 144 ধারা লাগু করার মধ্য দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সমস্ত তথ্য প্রমাণ লোপাট করতে চাইছে বলে দাবি করলেন বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ অধীর চৌধুরী। জিয়ে এ ঘোর অন্যায় হয়। মমতা বাজি খুদ ডরতি হয় আন্দোলন কো দেখকার। লোগো কো জিহান মে, লোগো কো দিল মে ये सरकार के खिलाफ जो विरोध जमा हुआ है, प्रकट हो रहे हैं, उनसे ममता जी खुद भयभीत हो चुके हैं। उनको यह लगता है कि अगर इस तरीके के आंदोलन की इजाजत अभी रोका ना जाए तो इसका बहुत गहरा असर हो सकते हैं, और इसलिए ममता बनर्जी की सरकार इन सारे अहिंस आंदोलन पे जुल्म शुरू कर दिए हैं, अत्याचार शुरू कर दिए हैं। मुझे यह भी शंका है कि हो सकता जब आंदोलनकारी नहीं रहेगी तो खाली मैदान में सारे सबूतों जो अभी भी लेना बाकी है, सारे सबूतों को नष्ट करने के लिए ये कोई नापाक हरकत भी कर सकते हैं, जैसे कि 14 अगस्त रात को किए थे। लेकिन उस दिन आंदोलनकारियों ने हुआ थी और इसके विरोध भी किए थे, इसके बजाय से तोड़फोड़ तो किए लेकिन सारे तोड़फोड़ करना मुश्किल हो गई थी उस दिन। ये भी हो सकता कि खाली मैदान में आंदोलनकारी रिक्त इलाका में और अगर कोई सबूत रह जाए वो सबूत को मिटाने के लिए ये कोई नापाक हरकत किए भी जा सकते, ये मेरा शंका है। लेकिन ये घोर अन्याय है। आंदोलनकारियों के आंदोलन करने के अधिकार देना चाहिए। कौन सा तानाशाही की सरकार हम देख रहे हैं कि जहां अहिंसक तरीके से आंदोलन करना भी मना है।